इनका काम होता है उस अमोनिया गैस को, जो कि ये पाइप्स हैं, और इन्हीं पाइप्स के माध्यम से ये गैस जो है यहाँ पर जाकर इनमें इसमें घूमती है, जो कि पानी का वो है, और यहाँ पर ये सैंपल के बाद में ये व्यापारी हैं और किसानों से ही बात करेंगे, और ये आलू का जो ये पैकेट खुले हुए हैं इनसे पूछते हैं क्या रेट का ये आलू। स्टोरों में आलू कैसे सुरक्षित रहता है, कैसे मछलियाँ वर्क करती हैं, कैसे आपका आलू जो है सुरक्षित रहता है 5-6 महीने तक, जब आप किसान भाइयों आप कोल्ड स्टोरेज में रखते हैं, कैसे किसान भाइयों आपका आलू जो है कोल्ड स्टोरेज मालिक सुरक्षित करने का काम करते हैं। ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाली है, क्योंकि मैं हूं आपके साथ सोनू चौधरी और आप देख रहे हैं सारा देसी, क्योंकि हम आपको वीडियो देते हैं विश्वास के साथ क्वालिटी वाली। और चलिए शुरू करते हैं, दिखाते हैं कोल्ड स्टोर में मशीनों का क्या काम होता है, कैसे उनका आलू जो है सुरक्षित रहता है, क्या क्या अमोनिया गैस के कार्य प्रणाली होती है, कैसे उस चैम्बर को ठंडा रखती है, कैसे आलू सुरक्षित रहता है। चलिए चलते हैं, देखते हैं मशीनों का क्या रोल होता है कोल्ड स्टोरेज में। मास्क लगा लीजिए, ज़्यादा गर्मी होता है ना, क्योंकि देखिए आलू को ठंडा करने के लिए एक अमोनिया गैस जो है काफ़ी तीक्ष्ण और गर्म उसकी होती है, प्रकृति की होती है। जब गैस जो गर्म प्रकृति की होती है तो कोल्ड स्टोर मालिक जो है इसको अपना एक अलग स्टोर रूम बनाते हैं, और उस स्टोर में यह गैस जो है ऐसे कंडेंसरों में रखी जाती है, और क्योंकि इसका टेम्परेचर जो काफ़ी गर्म होता है, और ये जो बर्फ रहती है ये पाइपों के माध्यम से उसके अंदर निकल जाती है। आप खुद देख सकते हैं ये पाइप लग रहे हैं, और ये इसकी कैपेसिटी बता रही है, तो थोड़ा इधर लगी ये देखिए कैपेसिटी बता रही है कि अमोनिया गैस इसमें कितनी मौजूद है। और आगे अभी देखिए ये जो कार्य प्रणाली है जो अमोनिया गैस की, वो काफ़ी अच्छी रहती है, क्योंकि आलू हो या कोई और फसल हो वो काफ़ी सुरक्षित रहे। ये देखिए ये अमोनिया गैस का जो कंडेंसर है, ये जो पाइप है रिसीवर जिसे बोलते हैं, और ये इसके माध्यम से आप ये देखिए ये जो नोजल है, नोजल के माध्यम से ये जो गैस जो है सर्कुलेट होती है चैम्बरों में। यहाँ उन्होंने पाइप्स लगा रखे हैं, पाइप्स के माध्यम से ये गैस जो है उसमें जाती है पाइपों में, और पाइपों से ही रिटर्न होती है। और चूंकि ये जो मशीन लग रही है आप देख रहे हैं, ये इतनी बड़ी बड़ी जो मशीन लग रही है, इनका काम होता है उस अमोनिया गैस को, जो कि चैम्बरों में जो अमोनिया गैस जो पाइप्स में प्रवाहित हो रही है, उसे ये जो मशीनें हैं वो खींचने का काम करती हैं। और जब वो खींचती हैं तो ये जो गैस है वो काफ़ी संपीड़ित हो जाती है, क्योंकि गर्म मात्रा में होती है, तो वहाँ से जब ये मशीनें जो हैं ये खींचती हैं, तो खींचने का जो प्रोसेसर होता है वो काफ़ी जोखिम भरा काम होता है। और लेकिन ये मशीनें और कोई हमारे काफ़ी स्वच्छता से इस काम को अंजाम देते हैं, कि जिस तरीके जो टेम्परेचर है वो भी नियंत्रित करते हैं, कितनी मात्रा में गैस छोड़ी है वो भी नियंत्रित करते हैं। और जब ये गैस जो है चैम्बरों से फिर द्वारा घूम के वापस इधर आती है ये मशीनों द्वारा, तो मशीनों का एक काम होता है कि इस गैस को एक संयंत्र के रूप में इसे सर्कुलेट किया जाए, और उसके बाद में जब ये संयंत्र होकर नीचे लौटती है गैस जो, तो उसके बाद में इन्हीं पाइप्स के माध्यम से, जैसे कि आप देख रहे हैं ये पाइप्स हैं, और इन्हीं पाइप्स के माध्यम से ये गैस जो है यहाँ पर जाकर इनमें चैम्बर इसमें घूमती है, जो कि पानी का वो है, और यहाँ पर यह गैस जो है ठंडी होती है, और ठंडी होने के बाद में वापस इसी के माध्यम से लौटकर इसी उसमें कैप्सूल में आ जाती है, जो रिसीवर बोला जाता है, इसी में लौट के वापस आती है। फिर उसके बाद में यही चक्र जो है पुनरावृत्ति चलता रहता है, और किसानों का आलू जो है सुरक्षित रहता है काफ़ी हद तक। और हमारे साथ मौजूद है खुद इसके कोल्ड स्टोर के जो केयर टेकर हैं, जो मशीनों को ऑपरेट करते हैं, उनसे ही पूछते हैं क्या भैया ऐसा ही है। हाँ ऐसा ही है भाई साहब, जिस तरीके से ये रिसीवर में से आपका अमोनिया गैस जो है वो कितने टेम्परेचर पे होती है? हाँ ये 35 पे सर्कुलेट होती है। लेकिन होता है कितना दबाव है इसका, इस रिसीवर में कितना दबाव होता है? रिसीवर में दबाव 1.5 से 2 पाउंड तक होता है दबाव ही होता है। ये मशीन जो है इसे उसमें ले जाती है। हाँ 1.5 पाउंड से 1.5 के बीच में होता है। तो देखिए ये और भी मौजूद हैं, और क्योंकि थोड़ा जानकारी इन्हें कम है, और खुद टेक्निकल इंजीनियर जो हैं जो इसको हैंडल करते हैं, उनसे ही पूछते हैं क्या 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 वर्क करती है अमोनिया और कैसे वर्क करती है, क्योंकि हमने आपको बताया था, और अब हम इनसे ही पूछते हैं। जी सर, ठीक है, आपने जो कह दिया बिल्कुल सेम वही है। नहीं थोड़ा हमें थोड़ा बताएं, क्योंकि हमारी बातों पे थोड़ा दर्शक जो विश्वास नहीं करते हैं, एक इंजीनियर के रूप में आप जो बताएं। नहीं सेम है, जो आपने बताया वही सेम है, कोई दिक्कत नहीं, ऐसे ही काम होता है, सेम है ऐसा ही। तो चलिए अब हम चलते हैं चैम्बरों की ओर, और चैम्बरों में दिखाते हैं गैस जो है किस तरीके से वर्क करती है, और आलू कैसे
ठंडा रहता है। बने रहिए, चलते हैं चैम्बर की ओर। तो किसान भाइयों, अब चैम्बर के अंदर हम आ चुके हैं और चैम्बर के अंदर आप देखिए किस तरीके से आलू रखा हुआ है। और आलू क्योंकि चैम्बर के अंदर हैं तो हमें भी ठंड का एक महसूस हो रहा है। और आप तो देख लीजिए आलू कितने उस पर सुरक्षित है और कोई भी ऐसा इस कोल्ड स्टोरेज में देखने को नहीं मिल रहा है। जैसा कि अमूमन हर कोल्ड में ये देखने को मिलता है कि आलू के कुल्ला फोड़ जाते हैं, किल्ली निकल जाती है या कुछ होता है। ये देखिए, ये आपको साफ दिख रहा होगा कि ये जो इलेक्ट्रिक सिस्टम है ये काफ़ी अनुभव वाला है कि जैसे इसे ऑन या ऑफ करते हैं, हालांकि ये ऑटोमेटिक भी होता है और एक जिस तरीके से मैनुअल होता है उस तरीके से भी होता है। यहाँ पर कोल्ड स्टोर मालिकों ने एक वो भी कर रखा है खुद, ये देखिए काफ़ी सहूलियत भरा है। ऐसा नहीं है कि जो कि जैसे इस पर लाद देते हैं, सीढ़ियों पे ही आलूओं को लाद देते हैं। देखिए कितनी जीने पे और कितना तरकीब से ये आलू लगा हुआ है, आप खुद देख सकते हैं कितना आलू किसानों के लिए कितना सुरक्षित माहौल पैदा किया है कोल्ड स्टोरेज मालिकों ने। और अब आपको देख रहे हैं, देखिए आपको खुद दिख रहा होगा कि ये लॉट संख्या और आलू कैसे और कैसे सुरक्षित रखा जाता है, गैस का कैसे संपीड़ित होती है, गैस का क्या माहौल होता है। आप देखिए ये आपका लॉट नंबर लिखा हुआ है, रैक नंबर लिखा होता है और रैक के अनुसार ही आलू किसानों का आलू जो है उसमें रखा होता है। देखिए एक साफ खास बात क्वालिटी ये होती है कोल्ड स्टोरेजों की, ये जो कोल्ड स्टोरेज होते हैं निकलने के लिए जो आलू का कट्टा है इसे निकालने के लिए जगह नहीं होती है। लेकिन आप देखिए कितना स्पेस दिया गया है इस कोल्ड स्टोरेज में जो कि काफी अनुभव वाला है। और कोल्ड स्टोर में ऐसा हालांकि किसी और में नहीं देखने मिलता, आप खुद देख लीजिए। जरा लाइट इधर लाइए, लेकिन लाइट में देखिए आप खुद देख लीजिए, ये देखिए कितना स्पेस है, कितना स्पेस है क्योंकि हम कोल्ड स्टोरेज के अंदर हैं और कोल्ड स्टोरेज के अंदर हम आपको सीधा सीधा दिखा रहे हैं। ये देखिए कितना स्पेस है, यहाँ दो आदमी खड़े हो सकते हैं। अमूमन किसी कोल्ड स्टोरेज में दो आदमी खड़े होने की जगह तक नहीं होती है। चलिए और देखते हैं, बारी बारी से हम चैम्बरों के अंदर जा रहे हैं और स्थिति देख रहे हैं कोल्ड स्टोर के अंदर, क्योंकि किसान भाइयों आपके आलू को सुरक्षित रखना कोल्ड स्टोर मालिकों का दायित्व होता है क्योंकि वो आपसे भाड़ा भी लेते हैं। और हमारा एक उद्देश्य है कि आपको कोल्ड स्टोर के अंदर जाकर ये दिखाएं कि आपका आलू सुरक्षित है या नहीं है, क्योंकि बहुत सारे कोल्ड स्टोरेजों में स्थिति ऐसी असुरपूर्ण होती है कि रोना तक आता है कि आखिर कोल्ड स्टोर मालिक जो हैं किसानों का शोषण क्यों करते हैं। लेकिन आप खुद देख लीजिए इस कोल्ड स्टोरेज में ऐसा कतई देखने को नहीं मिल रहा है। जैसा कि हम और कोल्ड स्टोरों में जाके जब दिखाते हैं तो ये दिखता है कि ये आलू जो है कितना हुआ है। देखिए हमारे साथ चाचा भी मौजूद हैं, तो चाचा जी से हम बात करेंगे। चलिए क्या नाम है? नाम हरवी सिंह है। ये बताइए ये कितने का लॉट होगा? ये लॉट इसमें 80,000 का होगा। 80,000 एक चैम्बर का। और पूरे कोल्ड स्टोरेज की जो क्षमता है वो कितनी होगी? 3,50,000 की है। 3,50,000, तो इससे 3,50,000 इससे ऊपर भी जाता है या नीचे रहता है? ऊपर भी नया का कम बढ़ती हो जाता है, कभी ज्यादा हो जाता है। पहली बार कर ले। तो इसमें कितने टेम्परेचर पे आप गैस का संपीड़ित करते हैं, गैस छोड़ते हैं? ये लगभग 32-35 पे जाके शुरुआत कर देते हैं। 32 नॉर्मल 32 पे रहता है। जैसे कि किसानों की एक वो होती है, जिज्ञासा होती है कि हमें आलू जो है केरला या महाराष्ट्र भेजना है, ऐसी स्थिति में कितने दिन तक कितने टेम्परेचर पर गैस जो है प्रोवाइड की जाती है? जैसे नॉर्मल के तो 32 हो गया, और जो महाराष्ट्र के किसान महाराष्ट्र में आलू जाता तो इसके लिए ज्यादा गैस छोड़ी जाती है? नहीं, इतना ही कम हो, 4-5 दिन के लिए इतना ही रहता है। तो इससे आलू को कोई नुकसान नहीं होता जी। तो ये थे हमारे साथ खुद कोल्ड स्टोर के केयर टेकर और ये खुद बता रहे थे। और आप ये देख लीजिए कि आलू का जो लॉट है वो काफी शालीनता से है। और आप खुद देख लीजिए, आपको जहां जहां कैमरे की नजर जा रही होगी वहां वहां आपको साफ नजर आ रहा होगा। देखिए आलू कुल्ले की शिकायत तो छोड़ दीजिए, यहां पर आलू के जो कट्टे होते हैं ना जो गैस से जल जाते हैं, ऐसी भी स्थिति कोल्ड में नहीं है। ये तो काफी सुखद भरा एहसास है कि जो आलू किसानों के लिए कोल्ड स्टोर में उनका आलू जो है सही सलामत रखा हुआ है। और वो कतई नहीं चाहेंगे कोल्ड स्टोर मालिक जो हैं कि उनके जो किसान हैं जो उनके जो अन्नदाता हैं वो उनके किसानों का बर्बाद हो और उनके लाभकारी ना मूल्य ना मिल पाए। कोल्ड स्टोर मालिक खुद लाभकारी मूल्य दिलाने के ऐसे ऐसे व्यापारियों का चयन कर रहे हैं इस बार कि आलू किसानों को उनकी उपज का लाभ मिल सके। तो किसान भाइयों, जैसा कि हम स्टोर रूम में से आपको बताए थे कि जो गैस है वो पहले रिसीवर में होती है, रिसीवर में जो उसका टेम्परेचर जो 158 था, क्योंकि अमोनिया गैस काफ़ी ज्वलनशील और गर्म उसकी होती है, तो जो उस रिसीवर में से जो गैस है वो संग्रहित्रों यानी कि जो छोटे छोटे पाइप्स होते हैं उनके माध्यम से चैम्बरों के अंदर आती है। चैम्बरों के अंदर आप देखिए ये चैम्बर है
और चैम्बर के अंदर ये जो पाइप्स हैं, पाइप्स के अंदर जो है अमोनिया गैस प्रवाहित हो रही है, और जब जब ऑक्सीजन जो अमोनिया गैस प्रवाहित हो रही है तो ये सर्कुलेट हो रही है, एक इधर से जा रही है तो इधर से निकल रही है, इधर से जा रही है इधर से निकल रही है। तो ऐसी स्थिति में जब ये इनमें छोटे छोटे कण और होते हैं, यानी कि इन पाइप्स में छोटे छोटे छेद जो होते हैं अति सूक्ष्म होते हैं, जब ये गैस इधर से उधर संपीड़ित होती है तो ये जो गैस जो है वहाँ जो कैपेसिटर लगे थे, यानी कि जो मशीन जो लगी थी, वो इस गैस को जैसे ही इस गैस में आई और उसे खींचने का काम करती है। जब ये खींचने का काम करती है तो ये गैस जो है काफ़ी ठंडी हो जाती है। जब ये ठंडी हो जाती है तो इस गैस पर आप खुद देख सकते हैं, देखिए ये बर्फ़ जमी है, ये बर्फ़ जो है अब इसे इसके ऊपर जम चुकी है। तो ये जो फैंस लग रहे हैं आपको, देखिए ये फैंस हैं, क्योंकि अभी अभी जो है इस चैम्बर में थोड़ा टेक्निकल इश्यू है, तो इस वजह से ये थोड़ा दिक्कत भरा है, लेकिन कोई ऐसी किसान भाई आपके लिए कोई परेशानी वाली बात नहीं है, क्योंकि जब इसमें से गैस जो है निकलती है, इसमें से गैस जो है इधर से उधर डाइवर्ट होती है, तो डाइवर्ट होने के बाद में जब ये गैस जो है रिसीवर उसमें जाती है, जो कैपेसिटर होते हैं उसे जो वाटर होता है, वाटर के माध्यम से वो जो गैस जो है उधर ठंडी होती है, उसके बाद में वो लौट फिर के फिर उसी रिसीवर में पहुंच जाती है, फिर उसी वही प्रक्रिया बार बार दोहराई जाती है। आप खुद देख लीजिए, तो ये देखिए यहाँ से ये पाइप जो है टर्न ले रहा है, यहाँ से जो पाइप जो है टर्न ले रहे हैं, आप खुद देख लीजिए। हम कहेंगे थोड़ा लाइट मैन थोड़ा इधर दिखाएं, ये देखिए ये जो पाइप्स हैं वो काफ़ी टर्न ले रहे हैं, टर्न लेने का मतलब ये मुड़ाव है, और ये गैस जो है इन पाइप्सों में अंदर होके आती है और ऐसी जाती है, और जैसे आई वैसी जाई, क्योंकि जैसे आई उधर कैपेसिटर लग रहा है, जो मशीन है स्ट्रॉन्ग रूम में वो इसे वापस खींच रही है, और क्योंकि ये ठंडी हो चुकी है तो अब ये जो है वाटर टैंक में जाती है, उसी पाइप्स के माध्यम से जो कैपेसिटर खींच रहे हैं उनके बाद में मोटे पाइप्स होते हैं वो इसको जनरेट करते हैं, और फिर दोबारा ये गैस जो है उसी प्रकार से काम करती है। और देखिए अब हम इसमें चैम्बर में आपको ये भी दिखाएंगे कि जो गैस है यहाँ पर एक कैपेसिटर यहाँ पर भी लगा हुआ है, एक जो वो होता है गैस का सिलेंडर जो है वो यहाँ पर भी लगा हुआ है, और हम आपको सीधा वही दिखाएंगे। लाइट तो दिखा के आपको दिखा रहा हूँ, यहाँ पर जैसे कि जो सिलेंडर होता है वो कहाँ है, देखिए किसान भाइयों आपके लिए एक्सक्लूसिव खबर हम आपको दिखा रहे हैं, और ये देखिए यहाँ पर आता है, ये देख ये है अमोनिया गैस का जो कैपिस, वहाँ से स्टोर रूम में से जो गैस आती है उसे यहाँ पर नियंत्रित करने का काम करता है। यहाँ से आप इसे फ्लैक्स को देख सकते हैं, यहाँ से आप इन फ्लैक्स को देखिए, यहाँ से ये जो डैम होता है आप यह डाउन कितनी गैस पे कहाँ पे कैसे छोड़ रही है, कैसे इनका वो होता है, ये सारा जो फ्लैक्स जो है इसके माध्यम से होता है। थोड़ा लाइट में ऊपर दिखाइए, देखिए ये आपको दिख रहा होगा, ये आपको दिख रहा है कि यहाँ होके जो गैस है वो इन्हीं पाइप्स के माध्यम से होके इस रिसीवर में आती है, और इसी रिसीवर में जाके फिर ये इन पाइप्सों में जाती है और सर्कुलेट होती है, यानी कि चारों ओर इन पाइपों में घूमती रहती है। और देखिए एक और बात, ऊपर से यहाँ से जाती है ये गैस जो है इस पाइप्स के द्वारा ये गैस जो है इन पाइप्सों में जाती है, और जब यही रिसीवर जो है, क्योंकि ये देखिए ये खींचने का काम करता है, इधर से गैस को इसे खींचता है और फिर द्वारा और उसमें मशीन के माध्यम से पानी के उसमें बहाव में ले जाता है। आप खुद इधर देखिए, ये देखिए ये सिर्फ पाइप्स हैं, और कहाँ से ये गैस जो है स्ट्रॉन्ग रूम में से इन पाइप्सों की मदद से इन यहाँ पे आती है। थोड़ा हम कैमरा मैन से कहेंगे थोड़ा जहाँ तक जा रहा है उधर भी दिखाने का कष्ट करें, देखिए आप खुद देख लीजिए ये केवल कोल्ड स्टोर मालिक कितना मेहनत करते हैं, कितना जोखिम उठाते हैं, क्योंकि अमोनिया गैस जो है काफ़ी संवेदनशील होती है, काफ़ी गर्म प्रकृति की होती है। तो ऐसे में देखिए यहाँ पर ये पाइप्स लगे हुए हैं, और आलू किसानों का आलू बर्बाद ना हो, क्या अगर कहीं से भी 1% लीकेज की कंडीशन आ जाए तो उनका आलू जले ना, उनका कट्टा जले ना है, इस वजह से इन तिरपालों का जो कि जैसे बोलते हैं फायर सेफ्टी यानी आग से सुरक्षा करने हेतु ये इन्होंने इनको ढाक रखा है कि आलू किसानों का आलू जो है बर्बाद ना हो। अभी हम ही आपको और दिखाते हैं, एक चैम्बर में तीन कॉयल होते हैं,
क्योंकि कॉइल का जिम्मेदारी होती है इन गैसों को सर्कुलेट करने की। जब ये गैस सर्कुलेट होती है, संपीड़ित होती है, तो देखिए ये देखिए ये बर्फ से बर्फ टाइप में जम चुकी है, और इसी बर्फ को ये फैंस जो है जब घूमते हैं तो ये जो बर्फ है ये एकदम ठंडी होती है, तो ये उसी के अनुसार वर्क करने लग जाती है, और ये जो ठंडापन है वो आलुओं पर सीधा जाता है। एक चैम्बर में, क्योंकि देखिए पहला चैम्बर बताया जो पहले चैम्बर के हमने कॉइल दिखाए थे, सेकंड चैम्बर का ये कॉइल देख लीजिए, इसी में जो कॉइल है एक थर्ड फेस में भी है, क्योंकि चैम्बर फर्स्ट है और एक चैम्बर में तीन कॉइल होते हैं, और तीनों कॉइल जो है बखूबी अपना काम को अंजाम देते हैं, और ये फैंस जो है काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं इस गैस को पूरे चैम्बर में सर्कुलेट करने के लिए, जिससे कि आलू जो है आपका काफ़ी सुरक्षित रहे, क्योंकि कोल्ड स्टोर मालिक नहीं चाहते कि आलू किसानों को नुकसान हो, इस वजह से परस्पर दिन में एक या दो बार गैस का छोड़ते रहते हैं। हफ्ते में अगर बात की जाए अगर इन्हें शुगर फ्री का, तो शुगर फ्री के लिए अलग चैम्बर है इस कोल्ड स्टोरेज में, और वहाँ पर जो गैस है वो परस्पर बनी रहती है, और जो शुगर फ्री चैम्बर है तो उसमें दवाइयों का छिड़काव किया जाता है लगातार कि उनका आलू जो किसानों का मीठा ना हो। चाहे शुगर फ्री चैम्बर है तो गैस का जो मात्रा है वो काफ़ी, जैसे 32 है तो उसमें एक परसेंट ज़्यादा छोड़ी जाती है, और 45 के आसपास छोड़ी जाती है, 32 तो नॉर्मल में है, और जो शुगर फ्री है उनके लिए 45 में छोड़ी जाती है। और आप एक बात और हम आपको बता दें प्यारे किसान भाइयों, ये देखिए ये जो आप एक इंची का पाइप देख रहे हैं, इसी में रिसीवर के माध्यम से जो गैस होती है वो स्टोर रूम से यहाँ पर आती है चैम्बरों में, और चैम्बरों में आती है तो चैम्बरों में होते हैं कॉइल, और कॉइल के लिए ये जो रिसीवर देख रहे हैं यहाँ पे भी एक रिसीवर लगा हुआ होता है जो कि इसको बनाने का काम करता है ठंडा करने का, क्योंकि आप खुद देख लीजिए, और ये जो यहाँ से तो ये सर्कुलेट हो रही है, यहाँ से भाई वापस आ रही है, जो मशीन खींच रही है जो हम आपको बताए थे वो मशीन जो खींच रही है वो इससे आ रही है, और जो अपने आप नॉर्मल आ रही है वो यहाँ से आ रही है। अब किसान भाइयों आप खुद डिसाइड कर लीजिए कि आपका आलू कितना सुरक्षित है, और हम आपके लिए इस कोल्ड स्टोरेज में मौजूद थे, जो और बारीकी से हम आपको ये समझा रहे थे कि आलू किसानों को आपका आलू कैसे सुरक्षित रहता है, और 5-6 महीने तक जब तक आलू आपका कोल्ड स्टोर में रहता है कितना अच्छा रहता है। बने रहिए आप हमारे साथ, अगर वीडियो अच्छी लगी हो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि हम थे आपके साथ कोल्ड स्टोरेज में, कोल्ड स्टोर के अंदर की हकीकत दिखा रहे थे, कैसे मशीन रूम जो है वर्क करता है, कोल्ड स्टोरों में क्या भूमिका होती है अमोनिया गैस की। धन्यवाद।